हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल एंड वेलकम टू माय चैनल लिव यंग टीवी। फ्रेंड्स, लिव यंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइज़ फ्री और पोल्यूशन फ्री बने, और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर ही चलाएं। और इसी के वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर काफ़ी सारी सब्सिडी भी दी हुई है, और इसी सब्सिडी के वजह से कुछ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो पेट्रोल स्कूटर से काफ़ी सस्ती भी हो गई है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे ही एक लिथियम आयन बैटरी की जो स्कूटर है उसका रिव्यू देने वाली हूँ, और उस स्कूटर का नाम है हीरो इलेक्ट्रिक NYX HX। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में, और इस शोरूम का नाम है एम ऑटो। यहाँ पर आने के बाद आपको हीरो इलेक्ट्रिक की जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर से देखने के लिए मिल जाएगी, और आप इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। और इसका जो एड्रेस है यही लिंक रोड, पिंपरी, चिंचवड़, पुणे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर के फर्स्ट फीचर के बारे में जानकारी दे दूँ। यह है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद अलॉय व्हील रिम, और ये है 10 इंच के ट्यूबलेस टायर जो कि सियाट कंपनी के हैं। फ्रंट ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है, और इसमें कॉम्बी ब्रेक का भी सिस्टम दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर है ये आपको ब्लैक ग्लॉसी कलर में मिल जाती है, उसी के साथ यहाँ पर इस कंपनी का लोगो भी दिया गया है। ये है इसका नंबर प्लेट जो कि ग्रीन कलर में आपको मिल जाता है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक। उसी के साथ ये है यहाँ पर स्टिकर जो कि लिखा हुआ है NMEM। इट्स मीन जिस स्कूटर पर आपको सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर ये स्टिकर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ये स्टिकर दिया गया है, दोनों साइड में स्टिकर्स है। इसके जैसे भी ये जो स्कूटर है काफ़ी शानदार लगती है। ये है इसके साइड इंडिकेटर जो कि बॉडी में ही दिए गए हैं, और ये है इसका हेडलाइट जो कि हैंडल में ही दिया गया है। अब मैं आपको ये जो लाइट्स है ये ऑन करके दिखा दूँ। देखिए ये है इसका इंडिकेटर, और ये रेगुलर लाइट्स दिए गए हैं। ये है इसका हेडलाइट जो कि LED लाइट दिया गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके जैसे आपको साफ रास्ता दिखाई देगा। आइए अब मैं आपको इस स्कूटर के हैंडल्स के कंट्रोल के बारे में जानकारी दे दूं। ये है इसका रियर ब्रेक, ये है अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, ये है इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पर ये हॉर्न का स्विच दिया गया है। ये है फ्रंट ब्रेक, ये है एक्सीलेटर, ये है पार्किंग लाइट और हेड लाइट का स्विच, ये है हॉर्न का स्विच। आइए अब मैं आपको इसके डिजिटल मीटर के बारे में जानकारी दे दूं। ये है इसका स्पीडोमीटर, ये है इसका बैटरी स्टेटस, यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं, और ये है 53.0 वोल्ट, और ये है इसका ओडोमीटर। फ्रेंड्स, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल बटन पे क्लिक करना भूलिएगा मत, सो दैट कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आइए अब मैं आपको इसके स्पीड के बारे में जानकारी दे दूँ। अब हम देखते हैं कि हमें इसका कितना स्पीड मिलता है। 58 मैक्स टू मैक्स हमें यहाँ पर इसका जो स्पीड मिल जाता है वो है 58 का। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके मिडिल एरिया के बारे में जानकारी दे दूं।
ये है यहाँ पर हुक दिया गया है, आप यहाँ पर आपकी बॉटल रख सकते हो, और ये है यहाँ पर USB मोबाइल चार्जर, यहाँ पर अंदर के साइड में दिया गया है, यहाँ पर मोबाइल को चार्जिंग को लगाकर आप यहाँ पर रख सकते हो। और ये है इसका लेग स्पेस, आप मार्केटिंग का सामान है, सिलेंडर है, ग्रॉसरी है, कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 140 mm का। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 सॉकेट दिए गए हैं। ये स्कूटर के साथ आपको 2 चार्जर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर इसे चार्जिंग के लिए लगा सकते हो। और ये जो सॉकेट आप देख रहे हो ना, ये चार्जिंग सेंटर पर आप ये जो स्कूटर लेके जाके यहीं से चार्ज कर सकते हो। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके सीट के बारे में जानकारी दे दूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये है यहाँ पर इसका स्प्लिट सीट, यहाँ पे 2 सीट दिए गए हैं, और ये है इसका फ्रंट सीट, ये है इसका रियर सीट। अगर आपको हाँ ये एक बताना है, ये सीट जो है ये इस तरह से खुलता है, आपको ज़ोर से खोलना होता है इसे। तो ये देखिए यहाँ पर, अगर आपको ये सीट नहीं चाहिए तो आप इसे सपोर्ट, बैक सपोर्ट के लिए रख सकते हो। अदरवाइज़ ये जब आप ऐसे रखोगे तो आप यहाँ पर आपका सामान भी रख सकते हो। बहुत अच्छा है ये, और इसे लगाना भी काफ़ी इजी है। इसे जस्ट हमें ऊपर खींचना है और इस तरह से दबा देना है, तो ये लग गया। ठीक है, अब मैं बता दूँ कि इसे कैसे खोलना है। ये जो की है इसे हमें इस साइड में इस तरह से लगाना है और राइट साइड में घुमाना है, तो ये जो सीट है ये खुल जाता है। और देखिए ये है इसका बूट स्पेस जो कि 12 लीटर का होगा, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 चार्जर दिए गए हैं, क्योंकि ये जो स्कूटर है इसके साथ आपको ये 2 चार्जर मिल जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ ये अभी मैंने निकाल दिए हैं, ये है मैनुअल, ये है टूल बॉक्स, और ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। इन केस अगर हमारे इस स्कूटर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये हमारे स्कूटर को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो स्कूटर है ये लिथियम आयन बैटरी के स्कूटर है। तो बता दूं कि इस स्कूटर के साथ जो बैटरी है ये नॉन पोर्टेबल है, आप उसे निकाल नहीं सकते हो। तो आइए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर सीट के नीचे इसकी जो बैटरी है ये दी हुई है। इसके साथ आपको 2 बैटरी मिल जाती है, 2 बैटरी विद 2 चार्जर। फ्रेंड्स, ये है वो 51.2 वोल्ट एंड 30 एम्पियर की लिथियम आयन बैटरी जो कि हीरो कंपनी की खुद की बैटरी है, और इस बैटरी का जो वेट होगा ये 12 केजी का होगा, और ये 1.5 किलोवाट की बैटरी है, और इसकी जो बॉडी है ये मेटल की है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे हमेशा पूछते हो कि वारंटी के बाद अगर बैटरी ख़राब होती है तो फिर उसका कॉस्ट क्या होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि पहले जो लिथियम आयन जो बैटरी थी उसका प्राइस था 25,000, पर अभी उसके प्राइस बहुत कम हो गए हैं, और अभी उसका जो प्राइस है वो है 17,000 ओनली। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बैटरी के बारे में, काफ़ी सस्ती हो गई है लिथियम आयन बैटरीज, तो आप वो बैटरी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर है इसके साथ आपको 2 बैटरी मिल जाती है, 51.2 वॉल्ट एंड 30 एम्पियर की, और इन दोनों को मिलाने के बाद आपको 3 किलो वॉट की बैटरी मिलती है, और ये 3 किलो वॉट बैटरी की वजह से 165 किलोमीटर तक जाती है ये स्कूटर। आइए अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है इसका चार्जर, और ये है इसका 3 पिन प्लग, और ये बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट है, और इसका आउटपुट है 58.4 वोल्ट और 6 एम्पियर का, और ये 6 एम्पियर की होने की वजह से 4 to 5 आवर में आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है ये चार्ज। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर को कैसे चार्ज किया जाता है, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये है एनर्जी मीटर, इसे मैंने मेरे घर पर बनाया हुआ है खुद, और इसके वजह से हमें पता चलता है कि ये जो हमारी बैटरी है ये कितने वॉट से चार्ज होती है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए ये है इसका 3 पिन प्लग, मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ, इसे मैंने लगा दिया है इस तरह से, और ये चार्जर का प्लग है, इसे मैं एनर्जी मीटर पर कनेक्ट करती हूँ इस तरह से, और ये जो सॉकेट है मैं इसे यहाँ पे लगाती हूँ। अब ये जो स्विच है इसे मैंने ऑन कर दिया है, अब हम देखते हैं कि हमें ये पता चलेगा कि ये कितने वॉट से चार्ज हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लैश हो रहा है,
73.4 वॉट से ये जो हमारी बैटरी है ये चार्ज हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर भी चार्जर पे ये जो लाइट से ये फ्लैश हो रहे, ब्लिंक हो रहा है, देखिए 25%, 50, 75 एंड 100, यही से हमें पता चलता है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके रेयर के बारे में जानकारी दे दूं। ये है इसकी BLDC मोटर जो कि 600 वॉट्स की है और इसका पीक आउटपुट है 1300 वॉट्स का। और ये जो मोटर है इसे व्हील में ही दिया गया है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और ये वाटरप्रूफ है। बारिश में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपकी जो मोटर है ये ख़राब होगी। और उसी के साथ यहाँ पर ये ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं जो कि 12 इंच के हैं। और ये है एडजस्टेबल ड्यूअल रेयर सस्पेंशन, आप सिंगल सीट हो तो भी इसे चला सकते हो या फिर आप डबल सीट है तो इसे एडजस्ट करके चला सकते हो। यह है रेयर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। यह है रेयर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। फ्रेंड्स, ये है इसका ब्रेक लाइट जो कि रेगुलर दिया गया है, उसी के साथ यहाँ पर भी नीचे लाइट दिया गया है, ये भी रेगुलर है, यहीं से आपको नंबर प्लेट आसानी से दिख जाएगी। उसी के साथ अब ये जो इंडिकेटर से इसे मैं ऑन कर रही हूँ ये भी रेगुलर दिए गए हैं। पीछे जो बैठता है उनके लिए भी यहाँ पर ब्लैक कलर में ये ग्रैप होल्डर दिया गया है। उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर भी साइड में ग्रैप होल्डर है, तो आप ऐसे ग्रैप एज अ ग्रैप होल्डर इसे यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ पर हैंग भी कर सकते हो, कैरी वगैरह लगा सकते हो आप। और ये है यहाँ पर फुटरेस और ये है इसका मेन स्टैंड, यहाँ पर साइड स्टैंड भी दिया गया हुआ है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर की प्राइस के बारे में जानकारी दे दूं। इस स्कूटर के ऊपर गवर्नमेंट ने 20,000 की सब्सिडी दी हुई है और ये डिडक्ट करने के बाद इस स्कूटर का एक शोरूम प्राइस होता है 79,990 और इसका ऑन रोड प्राइस है पुणे वालों के लिए 87,990। और फ्रेंड, बैटरी, कंट्रोलर और मोटर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। और उसी के साथ इस स्कूटर का वेट है 87 kg का और ये 180 तक ले पाती है वेट। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर का टेस्ट ड्राइव लेके दिखा दूं, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये एक चार्ज में 165 किलोमीटर तक जाती है। सो लेट्स ट्राई। दोस्तों, अभी मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया हुआ है और इसके जो सस्पेंशन है ये ज़रा स्टीफ है और बता दूं कि इसके ये जो ब्रेक है ये थोड़े से हार्ड है क्योंकि इसमें ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। अगर इसमें डिस्क ब्रेक होते तो और भी बेहतर हो सकती थी ये स्कूटर। और इसका हाइट अच्छा है मेरे हाइट के लिए। ये जो स्कूटर है ये आप सिटी या फिर विलेज है उसके लिए चला सकते हो, हाईवे पर नहीं। जो लोकल बिजनेस करते हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेस्ट है, तो जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए आप ये स्कूटर ले सकते हो।
और इसका सीट रियली काफ़ी सॉफ्ट है, चलाया है, बिल्कुल भी ट्रबल नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ मुझे। और हाइट देखिए, मेरा हाइट जितना है उससे भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल ये जो स्कूटर है मज़बूत भी है काफ़ी, तो ओवरऑल ये जो स्कूटर है मुझे पसंद आई है। तो आप भी आइए, ये स्कूटर का एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, डेफिनेटली आपको भी ये जो स्कूटर है ये पसंद आएगी। मोर पावर मोर फन विथ इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि दिल है इलेक्ट्रिक। सो ये हो गई इस वीक के स्कूटर की जानकारी, मैं ऐसे ही आऊँगी नेक्स्ट वीक नए स्कूटर के साथ, तब तक आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।